क्या इन्फ्लुएंजा का वैक्सीनेशन जरूरी है और इससे क्या दर्द होता है? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब घर में स्वस्थ हो, मस्त हो। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले, जो मेरे इस चैनल पे नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगे अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे कमेंट बॉक्स में आपके व्यू जरूर से शेयर कीजिएगा। अभी इस पैंडेमिक में हम सब स्ट्रेस में हैं। हमारे लिए तो कोरोना का वैक्सीनेशन आ गया है, पर बच्चों के लिए फिलहाल अभी कोरोना का वैक्सीनेशन नहीं है। और एक्सपर्ट का तो आगे ये मानना है कि आगे थर्ड वेव में बच्चों पर ज्यादा रिस्क है। और अभी मॉनसून स्टार्ट होने से नॉर्मल फ्लू का भी रिस्क बढ़ गया है। जो कोरोना में सिम्टम्स होते हैं वही नॉर्मल फ्लू में सिम्टम्स होते हैं, जिससे हमें डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। कोरोना के लिए तो फिलहाल बच्चों के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, बट फ्लू के लिए वैक्सीनेशन है। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी सजेस्ट किए थे और इंडिया के बाहर भी बच्चों को ये फ्लू का वैक्सीनेशन दिया जा रहा है टू कीप देम सेफ फ्रॉम रेगुलर फ्लू। तो हम अपने फैमिली डॉक्टर से भी कंसल्ट किए और उन्होंने हमें हाईली रिकमेंड किया इस वैक्सीनेशन के लिए। तो आगे चलिए मैं अपने वीडियो में आपको ये वैक्सीनेशन का डिटेल्स बताती हूँ। सो लास्ट वीक फ्रेंड्स, ये मेरी छोटी बेटी है जो 4 ईयर्स की है। इसे पहले हम लेके गए थे फ्लू के वैक्सीनेशन के लिए। तो ये वैक्सीनेशन 6 मंथ्स ऑनवर्ड कोई भी ले सकता है। यहाँ फ्रेंड्स मैं एक इम्पॉर्टेंट बात ये कहना चाहती हूँ, फ्लू है एक कॉमन वायरल इन्फेक्शन दैट कैन बी डेडली, स्पेशली इन हाई रिस्क ग्रुप्स। फ्लू अटैक्स द लंग्स, नोज, थ्रोट। यंग चिल्ड्रेन, ओल्डर एडल्ट, प्रेग्नेंट वीमेन एंड पीपल विथ क्रोनिक डिजीज और वीक इम्यून सिस्टम आर एट हाई रिस्क। तो आप अपने फैमिली डॉक्टर से फ्लू वैक्सीनेशन के लिए जरूर से कंसल्ट कीजिएगा फ्रेंड्स। इसका वैलिडिटी 1 ईयर का होता है क्योंकि वायरस चेंज होता रहता है, इसीलिए ये वैक्सीन लेटेस्ट वायरस को कंसिडर करके बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये है हमारे फैमिली डॉक्टर, डॉक्टर बायती अंकल। अब मेरी छोटी बेटी को ये फ्लू का वैक्सीनेशन लगाएंगे। ये जो वैक्सीनेशन लगाए हैं फ्लू का, उसका नाम है फ्लोरेक्स टेट्रा पीआरटीसी इन SH। तो ये अब लगा रहे हैं और ये देखिए लगा दिए हैं और ये इतना आराम से लगा दिए और मेरी छोटी बेटी को जरा सा भी पेन नहीं हुआ, एकदम अच्छे से लगा ली। जो हमारा ये फ्लू का वैक्सीनेशन लगाए हैं ये 4 तरीके का फ्लू कवर करता है। इसमें भी वेरिएंट आता है जो 3 टाइप के फ्लू भी कवर करते हैं। एज पर डॉक्टर इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है फ्रेंड्स, और इसमें ना पेन होता है ना फीवर आता है। तो बस नेक्स्ट टाइम अपनी बड़ी बेटी को भी लेके आ गए, उसका भी वैक्सीनेशन बहुत अच्छे से लग गया, ना पेन हुआ दोनों बेटी को और ना दोनों बेटी को फीवर आया। तो फ्रेंड्स मुझे ये बहुत इम्पॉर्टेंट लगा कि ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और इसके ऊपर वीडियो बनाऊं। तो फ्रेंड्स वीडियो एंड करने से पहले मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगी, एज पर माई रिसर्च एंड डॉक्टर्स रिकमेंडेशन, प्लीज गो फॉर दिस वैक्सीनेशन फॉर योर किड्स, सो दैट वो लोग रेगुलर फ्लू से बचे रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।